हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सोनू मेकअप आर्टिस्ट। आज मैं आप सबके सामने लाऊं ग्लैमरस पार्टी लुक विद कट क्रीज आई मेकअप के साथ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मेकअप में मैंने कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए हैं और कैसे ये लुक क्रिएट किया है। आप भी देख के सीख सकते हो ग्लैमरस पार्टी लुक। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना ग्लैमरस पार्टी लुक बिना देर किए हुए। सबसे पहले हम आईब्रो को कॉम करेंगे आई ग्रूमर ब्रश के साथ। फिर ब्राउन कलर लेंगे, ब्राउन कलर से हम अपने आईब्रो को शेप देंगे। जो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ वो एंगुलर ब्रश है, मीडियम एंगुलर ब्रश, और जो ब्राउन कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एलेगल का ब्राउन कलर है, क्रीमी, जो हम आईब्रो के लिए यूज़ करते हैं। आईब्रो की शेप बहुत अच्छी होनी चाहिए जिससे आपके आईब्रो बहुत डिफाइन लगे। आईब्रो शेप के बाद हम अपना आईज पे कंसीलर अप्लाई करेंगे। जो मैं कंसीलर अप्लाई कर रहा हूँ ये फॉरएवर 52 का है आईवी कलर। इससे फिर हम आईब्रो को अच्छे से कंसीलर की हेल्प से शेप देंगे। शेप हमारी अच्छी होनी चाहिए। फिर जो हमने अपना कंसीलर अप्लाई किया है उसको हम पूरी आईज पे भी अप्लाई करेंगे और देन आईब्रो के ऊपर से भी हम आईब्रो को शेप करेंगे। अच्छे से शेप होना चाहिए जिससे हमारे आईब्रो बहुत डिफाइन लगे, और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर देंगे। तो अब हम आई मेकअप अपना स्टार्ट करते हैं। आई मेकअप करने से पहले जो हमारी क्रीज लाइन होती है क्रीज लाइन को फॉलो करते हुए एक शेड अप्लाई करेंगे। जब भी हम कट क्रीज आई मेकअप करें बहुत फाइन लाइन बनानी है आपको क्रीज के ऊपर, और जो हमारा जिस शेप में हमारा आईब्रो जाता है उसी शेप में आपको लेके जाना है। बहुत सॉफ्ट हैंड से आपको ब्रश अपना चलाना है आईज के ऊपर, जैसे आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो। फिर आपको ब्लेंडिंग ब्रश से जो आपने शेडो अप्लाई किया था उसको ब्लेंड कर दोगे। ब्लेंड बहुत अच्छा होना चाहिए, शेड लेके ब्लेंड कर देना। आप कोई भी शेड यूज कर सकते हो, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ग्रीन, कट क्रीज में कोई भी एक शेड आप यूज कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट का ड्रेसअप कैसा है, क्या उनकी आईज पे सूट करेगा, उसके अकॉर्डिंग आप कलर यूज़ कर सकते हो। अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद फिर आप कंसीलर अप्लाई करोगे। कंसीलर से आपको कट क्रीज करना है। जो मैं कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ ये फॉरएवर 52 का आईवी कलर है, आप भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा कलर है। आप इसको कट क्रीज में आपको यूज़ करना है। क्रीज लाइन से सिर्फ नीचे नीचे की साइड आपको अपना कंसीलर अप्लाई करना है, जैसे आप स्क्रीन पर देख भी रहे हो। डाइविंग फॉर्म में फाइन लाइन सी बनानी है आपको। आपको अच्छे से कट क्रीज करना है, कट क्रीज करना है जैसे आप कंसीलर जिससे अप्लाई कर रहे हो, और जिस डायरेक्शन में हमारा आईब्रो है 45 डिग्री वहीं तक हमें इसको कट करते हुए ले जाना है। जितना भी हमने हमारा जो नीचे जितना भी हमारा आई शेड कलर आ गया था सबको कट करना है कंसीलर की हेल्प से, और बैक साइड तक कट करना है और एक अच्छे से शेप देना है। कंसीलर आपका बहुत मस्ट है, कंसीलर से ही कट क्रीज आपका होगा। बेस यूज़ मत करना, अगर आप बेस यूज़ कर रहे हो तो आप कोई भी ड्राई बेस यूज़ करना, कोई भी मॉइस्चर बेस यूज़ मत करना अगर आप कट क्रीज आई मेकअप कर रहे हो तो। कंसीलर अप्लाई के बाद आप फिर कॉम्पैक्ट भी लगा सकते हो या बिल्कुल बहुत लाइट शेड का आप कोई भी आई शेडो अप्लाई कर सकते हो जिससे आपका कंसीलर लॉक हो जाए। फिर उसके ऊपर आप चाहो तो ग्लिटर भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ कंसीलर लगा के भी छोड़ सकते हो, डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसा कट क्रीज आई मेकअप करना चाहते हो। फिर आप वाटरी लाइन पे आप काजल अप्लाई करोगे। काजल वन स्टॉप होना चाहिए। जो मैं काजल इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ ये फॉरएवर 52 का है, आप भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है। काजल के बाद आपको लाइनर अप्लाई करना है। लाइनर आपको जो अप्लाई करना है कट क्रीज आई मेकअप में वो विंग लाइनर होगा। जो भी आप लाइनर अप्लाई करते हो वो आपका आईलैशेस से अटैच होके लगना चाहिए, और आप दोनों आईज में शेप देख के ही लगाना है आपको। और जो मैं लाइनर यूज़ करता हूँ वो एलेगल का है, एलेगल का ब्लैक जेल लाइनर, आप भी यूज़ कर सकते हो, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जब भी आप टेल बनाओ, जो हमारी आईज का एंडिंग पॉइंट होता है, आप वहाँ से आप एक ऊपर की साइड टेल लोगे और नीचे वाली वाटरी लाइन से आप मर्ज कर दोगे, इससे आपका लाइनर बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत सॉफ्ट हैंड से आपको अपना लाइनर ब्रश यूज़ करना है। जो मैं लाइनर ब्रश यूज़ करता हूँ ये पैक का है 283 नंबर, और आगे से आपको टेल जरूर देनी है लेंथ
लाइनर के बाद आप अपने आईलैशेस लगाओगे। आईलैशेस आपकी वही लगनी चाहिए जो हमारी रियल आईलैशेस होती हैं, उसी के ऊपर प्रेस करके आपको लगानी है। जो मैं आईलैशेस यूज़ करता हूँ वो पैक की है। आईलैशेस लगाने के बाद आप मस्कारा अप्लाई करोगे। मैं मस्कारा यूज़ करता हूँ वो मैबलिन का है, आप भी यूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा वॉल्यूम। आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं बेस पे। बेस अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम प्राइमर यूज़ करेंगे। जो मैं प्राइमर यूज़ करता हूँ ये मैक का है। उसके बाद हम कंसीलर अप्लाई करेंगे। जो मैं कंसीलर इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ ये फॉरएवर 52 का ही है, आइवरी। आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अमेजिंग। कंसीलर अप्लाई करने के बाद आप इसको फाउंडेशन ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने के बाद अंडर आई एरिया आप हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर या स्पंज की हेल्प से आप डाइविंग फॉर्म में ब्लेंड करना है आपको। डैब डैब करके अच्छे से अप्लाई करना है। कंसीलर आपका बहुत अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। कंसीलर के बाद हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। जो मैं फाउंडेशन इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ ये हुडा ब्यूटी का है, चाय शेड। आप भी यूज़ कर सकते हो। फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से पहले इसको ब्लेंड करना है। मैं पहले हाफ फेस पे फाउंडेशन लगा रहा हूँ, देन हाफ पे लगाऊंगा। हाफ पे लगा के हम देख लेंगे कि हमारा लुक कैसा आ रहा है, फाउंडेशन कहीं ओवर तो नहीं हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यूज़ करेंगे। पहले हम फोरहेड से स्टार्ट करेंगे अपना फाउंडेशन लगाना, और फिर पहले हाफ फेस कवर करेंगे, देन फिर हाफ फेस कवर करेंगे। और फाउंडेशन अच्छे से पहले डैब करके देन ब्लेंडिंग करके अप्लाई करना है। हुडा ब्यूटी थोड़ा थिक फाउंडेशन है तो आप यूज़ कर सकते हो, अच्छा रिजल्ट भी है इसका। फिर जब आपका फाउंडेशन अप्लाई हो जाए तो फिर आप फाउंडेशन ब्रश लेना है आपको, फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश, उससे पूरे फेस पे आपको ब्लेंड करना है। आप जब भी फाउंडेशन अप्लाई करो तो आप देख लेना नेक और फेस आपका बिल्कुल इवन होना चाहिए वन टोन में। ऐसा नहीं कि नेक आपका अलग लगे और फेस आपका अलग लगे। तो और आपको ईयर में भी फाउंडेशन अप्लाई करना है। ये जो मैं फाउंडेशन ब्रश है मेरे पास, ये रियल टेक्निक का ब्रश है, आप भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा ब्रश है ये रियल टेक्निक का। फाउंडेशन अप्लाई के बाद आप कंटूरिंग करोगे। कंटूरिंग आपको नोज, चिक, फोरहेड, जॉ, चिन, आप सब पे करोगे। मैं जो कंटूरिंग स्टिक यूज़ करता हूँ ये मेकअप फॉरएवर का है, आप भी यूज़ कर सकते हो। शेड नंबर है 505 मेकअप फॉरएवर, और फिर आप अच्छे से ब्लेंड कर दोगे। ये क्रीमी फाउंडेशन है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। अच्छे से ब्लेंड करना है आपको अपनी कंटूरिंग। कंटूरिंग आपके नोज के दोनों साइड पे आपने आपको कलर लगाना है और अच्छे से ब्लेंड करना है। मैंने फिर से अपना फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और अच्छे से कंटूरिंग को ब्लेंड करना है। जब तक ब्लेंड अच्छे से ना हो जाए आपको प्लीज ब्लेंड करते रहना है, वरना वो वहाँ पे ब्लैक ब्लैक से लगता है। अच्छे से ब्लेंड करना है आपको। कंटूरिंग के बाद आपको लूज पाउडर यूज़ करना है। जो मैं लूज पाउडर यूज़ कर रहा हूँ ये भी हुडा ब्यूटी का है, इसका नाम है कप केक। आपको अच्छे से पूरे फेस पे पाउडर अप्लाई करना है डाइविंग फॉर्म में, फोर हेड अंडर एरिया अच्छे से पाउडर डाइविंग फॉर्म में आपको अप्लाई करना है विथ पाउडर ब्रश के साथ। और फिर देन आपको फेस हाईलाइटर अप्लाई करना है चिक बोन पे। जो मैं हाइलाइटर यूज़ करता हूँ ये इंग्लॉट का है, पर्ल, आप भी यूज़ कर सकते हो, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है पर्ल कलर। आपको चिक बोन पे अप्लाई करना है, जो हमारा ब्लशर वाला एरिया होता है उस पर आपको अप्लाई करना है। फिर देन इसके बाद आप पैन ब्रश से अपना ब्लशर अप्लाई करोगे चिक बोन पे। ब्लशर आपका हमेशा चिक बोन पे लगता है। दोनों को अच्छे से मर्ज करना है, ब्लशर और हाइलाइटर को, जिससे हमारे चिक्स और ज़्यादा शाइन लगते हैं। फिर आप नोज़ पे भी हाइलाइटर लगाओगे जिससे नोज़ हमारी शाइनी एंड शार्प लगे। फिर लिप्स के
नीचे भी और फिर फोरहेड पे भी आप फेस हाइलाइटर अपना अप्लाई करोगे। फेस हाइलाइटर के बाद आप बनाना पाउडर यूज़ करोगे। जो मैं बनाना पाउडर यूज़ करता हूँ ये हमारा है फॉरएवर 52 का, और फिर अच्छे से आप ब्लेंड कर दोगे। फिर आप लास्ट में हम अपना मेकअप फिक्सर यूज़ करेंगे और ये हमारा मेकअप कंप्लीट हो जाता है ग्लैमरस पार्टी लुक विद कट क्रिज आई मेकअप के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।